दोस्तों आपका हमारे चैनल टेक केयर पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एलजी के माइक्रोवेव में ब्रेड पिज़्ज़ा कैसे बनता है। ब्रेड पिज़्ज़ा हम कन्वेक्शन मोड और ग्रिल मोड दोनों पे बनाएंगे। पहले हम कन्वेक्शन मोड यूज़ करेंगे, उसके बाद हम ग्रिल मोड यूज़ करेंगे और दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको समझाएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरीके से आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते रहें। कन्वेक्शन मोड पे हमने प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है कभी भी। कन्वेक्शन मोड पे हमेशा मेटल यूज़ होगा। जो आपके पास ग्रिल स्टैंड मिला है वो यूज़ होगा या आप तवा यूज़ कर सकते हो। हम ग्रिल स्टैंड का यूज़ करेंगे ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने 4 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाएंगे। चारों ब्रेड पे हमने अच्छे से पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगानी है। ब्रेड पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से लगाएंगे इस पे, और उसके बाद हम इसमें चीज़ डालेंगे। चीज़ भी अच्छे से फैला देना है ताकि बढ़िया से चीज़ी आपका ब्रेड पिज़्ज़ा बने। चीज़ हम कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप पहले से क्रश करके हमने तो पहले से क्रश करके रखा हुआ है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हो। उस पर डिग्री सेल्सियस लिखा होता है कि इतने डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होता है। मोजरेला चीज़ है जो लगभग 300 डिग्री पे चले जाता है अगर मेल्ट करने के लिए, इसलिए मोजरेला चीज़ की जगह आप कोई भी और चीज़ यूज़ कर लो, जैसे ब्रिटानिया का चीज़ यूज़ कर लो, अमूल का भी आता है। बस तो पूरा आप चीज़ अपने हिसाब से जो आपको पसंद है वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इसमें टमाटो डालेंगे। कैप्सिकम बॉइल्ड कॉर्न्स और आप मशरूम वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। ऊपर से थोड़ा सा चीज़ और डाल देंगे ताकि ये और भी ज़्यादा चीज़ी और टेस्टी लगेगा इससे। अगर आप ज़्यादा चीज़ यूज़ करना चाहते हो ज़्यादा भी कर सकते हो, कम करना चाहते हो कम कर सकते हो। अभी हम कन्वेक्शन पे जाएंगे और इसको प्रीहीट करेंगे। कन्वेक्शन पे जाएंगे, इसको प्रीहीट करेंगे 220 पे। सीधे ही स्टार्ट कर देंगे तो ये प्रीहीट मोड पे चला जाएगा। तो जब प्रीहीट होगा बीप देगा तो प्रीहीट हो जाएगा। ये प्रीहीट हो चुका है, अभी हम इसको लो रैक पे रखेंगे। कन्वेक्शन मोड पे जाएंगे दोबारा से। कन्वेक्शन मोड पे जाएंगे 220 पे और 5 मिनट के लिए चला देंगे। कन्वेक्शन पे 5 मिनट हमने चला लिया है 220 डिग्री टेम्परेचर पे। जब भी इसको उठाएं, जब भी कन्वेक्शन यूज करें तो किसी कपड़े की सहायता से उठाएं इसको। अब इसको हाई रैक पे हम ग्रिल कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये ब्राउन हो जाए। अभी हम ग्रिल मोड चलाएंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए ग्रिल मोड इसलिए चला रहे हैं ताकि ऊपर से अच्छे से ब्राउन हो जाए। इससे क्या होगा, चीज़ ब्राउन हो जाएगा और कलर भी अच्छे से आ जाएगा। और हमेशा कन्वेक्शन मोड पे आपने स्टैंड यूज़ करना है और या आपने तवा यूज़ करना है। ये देखिए हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी हैं जी। अगर आप कम क्रिस्पी चाहते हो तो ग्रिल को 5 मिनट से कम भी चला सकते हो, लेकिन हमें ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो हमने 5 मिनट का टाइम दिया है। बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से आप टाइम दे सकते हो, इसको चेक करके आप जैसे जब भी खोलोगे चेक करके टाइम दे सकते हो। 4 स्लाइस हमने ले लिए हैं, उसी तरीके से बनाए हैं। अभी हम सिर्फ ओनली ग्रिल मोड ही यूज़ करेंगे तो इसमें आपको डिफरेंस बताएंगे। ग्रिल मोड पे हम इसको चलाते हैं 5 मिनट के लिए। ग्रिल मोड में बनाने से क्या होता है कि जो पिज़्ज़ा बनाते हैं या फिर हम ब्रेड से पिज़्ता बनाएंगे तो कहता है नीचे से नरम रह जाता है, लेकिन मैं अभी आपको ग्रिल मोड पे बना के दिखा रहा हूँ ताकि अगर ग्रिल माइक्रोवेव है आपके पास तो उसमें कैसे बना सकते हो आप।
कलर तो बहुत से अच्छे से आ गया है, लेकिन कलर बहुत अच्छा आ गया, लेकिन क्या होता है कि जब हम ग्रिल मोड पे पिज़्ज़ा बनाएंगे ना, या हम बनाते हैं, तो ये क्या होता है, नरम रह जाता है। ये देखिए नीचे से जो है, ये देखिए ये होता है, लेकिन जब हम कन्वेक्शन मोड पे बनाते हैं तो क्रिस्पी बनता है एकदम, नीचे से भी मतलब हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ये इतना नरम नहीं रहता। तो ये दोनों में ये फर्क आता है, लेकिन ऊपर से देखिए कलर अच्छा है और अच्छे तरीके से बन गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरीके से आपके लिए और भी वीडियो बनाते रहें। थैंक यू सो मच।